आपके पास कितनी है? ठीक, आपके पास गिनिए। कितनी है आपके पास अरमान? एक। आपके पास आस्था? एक, दो, तीन, चार। वेरी गुड। आपके पास आयुष? एक, दो, तीन, चार, पांच। वेरी गुड। आपके पास विवेक? दो। दो। आपके पास राधिका? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह। वेरी गुड। अब जिसके पास सबसे कम डंडियां हैं वो बाहर निकल गया हो। किसके पास सबसे कम डंडियां हैं? नहीं, आपके पास कितनी है? पांच। नहीं, हाँ, सबसे कम किसके पास है? नहीं नहीं, सबसे कम किसके पास है? चलो दोनों लोग निकल के लाइन बनाइए। खड़े हो तुम, लाइन लगाइए, उधर खड़े होइए। डंडी पकड़े रहिए। आयुष आप बैठ जाओ। अब इनसे ज्यादा डंडी किसके पास है? इनके पास नहीं, उसके पास तो सबसे ज्यादा है। किसके पास सिर्फ अरमान से ज्यादा है? अरमान से ज्यादा किसके पास है? एक के बाद क्या आता है? दो। तो किसके पास है? चलिए ऋतिक, आप उसके पीछे आइए, लाइन लगाइए। मोहित, अरमान, लाइन लगाओ वहीं पे। ऋतिक, इनके पीछे खड़े होइए। वेरी गुड। अब ऋतिक के पास कितनी थी? दो। ठीक, ऋतिक से ज्यादा किसके पास है? दो के बाद क्या आता है? तीन। किसके पास है? दीपाली लाइन में लगी पीछे। अब तीन के बाद, हाँ, चार किसके पास है? ठीक, चार के बाद कितना आता है? पांच। किसके पास है पांच डंडियां? कहाँ लगोगे? वेरी गुड। पांच के बाद क्या आता है? छह। छह किसके पास है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। किसके पीछे लगोगे? आयुष के पीछे। बिल्कुल सही। छह के बाद क्या आता है? सात। सात किसके पास है? सुभाष के पास। चलिए अब सुभाष सबसे पीछे जाएंगे। तो सबसे छोटा क्या होगा? जो सबसे आगे है, सबसे छोटा कौन होगा? डंडियां सबसे कम किसके पास हैं? सबसे कम कितनी है? एक। और उसके बाद? एक। और उसके बाद? दो। दो। फिर? तीन। फिर? चार। फिर? सात। नहीं, चार के बाद क्या आता है? पांच। पांच कहाँ है? तो लाइन में आओ, लाइन में किसके पीछे आओगे? हाँ, पांच के बाद छह। छह कौन है? कहाँ लगी हो राधिका? किसके पीछे लगोगी? आयुष। कहाँ लगे हैं? आयुष के पीछे लगो। आयुष पहले पहुंचो तो। हाँ, छह कहाँ लगेगा? वेरी गुड। छह के बाद सात। सात लाइन का है थोड़ा। अपना नाम बताइए बेटा, किस क्लास में? बेटा बताइए, वो कौन सी चीज है जिससे हम दाल चावल खाते हैं? क्या है ये? और चार से चम्मच लिखा कहाँ है? वेरी गुड। मिलाइए इन दोनों को। ठीक, इसके बाद आस्था। हाँ बेटा, सबका नंबर आएगा। आप बताइए, वो कौन सी चीज है जो टिक टिक करती है? अभी कमरे में देखो, एकदम शांत रहो, देखो कोई चीज टिक टिक कर रही है? नहीं, कमरे में, अपने रूम में देखो। नहीं, कौन सी चीज जो आवाज करे? एकदम ध्यान से सुनो।
हाँ वेरी गुड आज तक। घड़ी कहाँ बनी है और लिखी कहाँ है? वेरी गुड, मिलाइए इन दोनों को। वेरी गुड। इसके बाद ऋतिक, ऋतिक आप बताइए वो कौन सी चीज है जिसमें फूल लगाया जाता है? नहीं, कमल तो खुद फूल है। वो कौन सी चीज है जिसमें फूल लगाते हैं हम लोग? वो क्या है, नाम क्या है उसका? घासे। गमला कहाँ बना है ऋतिक? हाँ, और लिखा कहाँ है? वेरी गुड, मिलाइए दोनों को। वेरी गुड। अब इसके बाद अर्जुन। हाँ अर्जुन, आप बताएंगे वो कौन है जो गाजर खाता है? खरगोश कहाँ बना है? और खासे खरगोश लिखा कहाँ है? वेरी गुड, मिलाइए दोनों को। वेरी गुड। इसके बाद गोविंद। गोविंद आप बताइए बारिश और धूप से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? छाता कहाँ बना है? वेरी गुड। अच्छा से छाता लिखा कहाँ है? नहीं, वो तो कहाँ से कमल है। हाँ ये है अच्छा से छाता, इसको मिलाइए छाता से। वेरी गुड। इसके बाद सुभाष। आप बताइए बेटा कमल का फूल कहाँ बना है? हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल कहाँ बना है और लिखा कहाँ है और बना कहाँ है? वेरी गुड, मिलाइए दोनों को। वेरी गुड। किस क्लास में? आप सुनाइए बेटा कहानी। सूख कर। अब कौन सुनाएगा? ऋतिक सुनाएंगे अब। और ऋतिक सुनाओगे? किस क्लास में है? इसमें से बताइए बेटा सबसे पहले क्या बना है? दूसरे नंबर पर तोता है या चिड़िया है? तोता भी तो चिड़िया ही होता है। और तीसरे नंबर पर और सबसे आखिरी में टोटी या नल? नल। हाँ ना से नल। अब बताइए इन चारों में से पानी कहाँ से मिलता है आपको? आज आपने पानी कहाँ से पिया था? निशान लगाइए उस पर। ना से नल, ठीक। ऊपर हमें पानी और कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है अर्जुन? कुएं पर भी लाइन खींच दीजिए। वेरी गुड। इसके बाद और किससे पानी मिलता है? बादलों से भी मिलता है, बादल पे भी लाइन खींच दीजिए।
क्या चिड़िया से पानी मिलता है? नहीं, चिड़िया तो पानी पीती है ना। वेरी गुड। चिड़िया अच्छा कहाँ से पानी पीती है? कुएं से। अच्छा, बैठ जाइए। इसके बाद आपको बताना है, सबसे पहले खुद बताया, नाम बताया क्या? ये बताइए अच्छा क्या है। बड़ी चीज क्या है इनमें?